कांग्रेस मुख्यालय में इस समय हम खड़े हैं, आप देख सकते हैं यहाँ कंट्रोल रूम बनाया गया है, बड़ी स्क्रीन पर चुनावों के जो रुझान है वो अभी तक आ रहे हैं। और इस समय हम बात करें बीजेपी और कांग्रेस दोनों में, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में कांटे की टक्कर है, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है। भाई साहब, शुरुआती रुझानों की अगर हम बात करें तो अभी कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर है, क्या कहना चाहिए? आने दो, अभी तो 4-5 राउंड पूरे हुए हैं, लेकिन देश की जनता अब तानाशाही से मुक्ति चाहती है, देश की जनता जुमलों से मुक्ति चाहती है, देश की जनता आरक्षण को बचा करके रखना चाहती है, देश की जनता बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए वोट देना चाहती है, देश की जनता महंगाई से त्रस्त है वो इस सरकार को हटाना चाहती है। अभी हम जीत रहे हैं, यूपी में खुद भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो रहा है और मेरे को लग रहा है 2-3 बजे तक इंडिया गठबंधन लगभग 300 सीट जीत करके हम देश की जनता को जो वादे राहुल गांधी जी ने, खड़के जी ने किए कि हम जनता को महंगाई से बचाने के लिए हर गरीब परिवार को, महिला को हम 1,00,000 रुपया सालाना देंगे ताकि अपने परिवार की ताकत बढ़ा सकते हैं, हम 25,00,000 रुपये का हर घर को बीमा देंगे ताकि वो अपने चिकित्सा के ऊपर खर्च कर सके, हम 30,00,000 लोगों को रोजगार देंगे, हम ये जो अग्निवीर योजना जिसमें 4 साल में लड़के को रिटायर कर दिया जाएगा सेना से, हम सारी सीमी को बंद करेंगे। और लगता है जनता ने अब की बार मानस बना लिया, तानाशाही सरकार को हटा करके देश में फिर नफरत के वातावरण को दूर करेंगे। राहुल गांधी ने जो यात्राएं कही, जो न्याय यात्रा निकाली, जो पद यात्रा निकाली, देश में नफरत के वातावरण को हटाकर हम प्यार का फिर एक नया एक दुकान खोलेंगे और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन पारसी हम सब मिलकर के देश को आगे बढ़ाएंगे। तानाशाही से मुक्ति का ये निर्णय आज 4 तारीख शाम तक आ जाने वाला है। बिल्कुल, आपने ये सुना कि जिस प्रकार से जो बात जो इन्होंने कही कि जो मोहब्बत की दुकान जो राहुल गांधी ने खोलने की बात करी थी, कहीं ना कहीं उसी को इन्होंने आगे बढ़ाते हुए कहा कि अब देश में जल्दी मोहब्बत की दुकान खोली जाएगी और बीजेपी का जो तानाशाही रवैया था उसका अंत यहां से होता हुआ दिखाई दे रहा है, कहना है कांग्रेस पार्टी में मौजूद कुछ लोग। गंगा देवी जी भी हमारे साथ मौजूद है। मैम, आज जो ये अभी रुझान आ रहे हैं किस ओर ये इशारा कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? इनमें कांग्रेस की बढ़त मिलेगी, क्यों प्रधानमंत्री देश का झूठ बोलने लग गया, झूठ से जनता उबगी, जनता को रिजल्ट चाहिए, जनता को बेरोजगारी, युवा को रोजगार भी चाहिए, क्यों अगर झूठ बोल बोल के दोबारी सीट पर बैठ गए तो संकट, सभी की मिलकर सरकार बनेगी, मोदी जी को आपको सबक सिखाना पड़ेगा। कुछ और लोग भी यहाँ मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी जी की जो 2 यात्रा है पूरे भारतवर्ष में, क्या लगता है उसी का परिणाम है? देखिए, राहुल गांधी जी ने जो 10,600 किलोमीटर की दोनों यात्राएं की है, इतना लंबा वो चले और हर तबके के लोगों से मिले, वो चाहे मजदूर हो, बेरोजगार युवा हो, महिलाएं हो, और घर घर जाके लोगों की समस्या को जाना और उसको सॉल्व करने के लिए जो कांग्रेस पार्टी ने सबने मिलकर जो मैनिफेस्टो बनाया है, ये जो आज जो रुझान आ रहे हैं, जो नतीजे आ रहे हैं, उसी का असर है। कह सकते हैं कि लगातार राहुल गांधी जो और तमाम जो कांग्रेस के नेता जुमलेबाजी का जो आरोप भाजपा पे लगा रहे थे, कहीं ना कहीं वो जुमलेबाजी अभी के रुझानों के हिसाब से फेल होती दिखाई दे रही है। हाँ हाँ, जो भाजपा ने जो 2014 में जो मुद्दे लेकर आई थी, आज भी उनके पास वही मुद्दे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी जनता के हितों के मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है और जनता ने ये साबित कर दिया है कि उन्हें धर्म की और झूठी राजनीति ना चाहिए को नकारा है रुझानों के हिसाब से, और सबने ये माना है कि मोहब्बत की दुकान, हिंदुस्तान को मोहब्बत की दुकान की जरूरत है, यहाँ पे हम सब हिंदू मुसलमान सब लोग, हम लोग सब मिलकर रहेंगे। ये जनता का निर्णय इस बात को साबित करता है कि जनता ने अपने हितों को, अपने जो इनके मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, महिला अन्याय, श्रमिकों के लिए जो किसानों के ऊपर गोलियां बरसाई, इसका असर भी आप हरियाणा पंजाब में आप देखोगे। बिल्कुल, साफ तौर पर हम कह सकते हैं कांग्रेसी खेमे में इस समय शुरुआती रुझानों के हिसाब से खुशी की लहर यहाँ मौजूद है, और उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो रुझान जो सामने आ रहे हैं कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चिंताजनक है और कांग्रेस के खेमे में खुशी की लहर यहाँ पर देखी जा रही है। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करना चाहेंगे। राम सिंह जी हमारे साथ मौजूद है, भाई साहब शुरुआती रुझानों के हिसाब से क्या कहना चाहेंगे? शुरुआती रुझान आप देख रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने और राहुल गांधी जी ने कहा था कि हमारा इंडिया गठबंधन 295 में प्लस होगा और उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है।
जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की गई थी उस सारे माहौल को माकूल जवाब देते हुए हिंदुस्तान की जनता ने एक करारा जवाब दिया है। जो 10 साल में सिर्फ बातें की गई, झूठ फैला गई, भ्रम फैलाया गया, काम कोई किया नहीं गया, उन सारी बातों का माकूल जवाब दिया है हिंदुस्तान की जनता ने और उसी की तरफ ये रुझान बढ़ रहा है और इंडिया गठबंधन सरकार बना रहा है देश में। रफी खान जी भी हमारे साथ मौजूद है, रफी खान जी से भी बात करेंगे। भाई साहब, मोहब्बत की दुकान जो खोलने की बात राहुल गांधी जी ने कही थी और दो जो यात्राएं पूरे भारतवर्ष में उन्होंने लगाई है, क्या लगता है आपको ये उसी का कुछ परिणाम है? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, जनता ने मोदी जी को नकार दिया है। सबसे बड़ी बात आज आपको हेडलाइन चलनी चाहिए, अगर आप तटस्थ हैं तो ये बात जरूर चले कि जनता ने मोदी जी को नकार दिया है। आज पूरे देश के अंदर जिस तरह से मोदी जी ने एक नफरत का जहर फैलाया जनता के बीच में, आम आदमी के बीच में, उसको नकार दिया है। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको कहूंगा, आप सब इस बात पर गौर करो, 1 तारीख की शाम को सारे कॉरपोरेट हाउसेस और मीडिया हाउसेस ये चलाते हैं कि इंडिया गठबंधन तो 125-150 पे रहेगा और एनडीए गठबंधन 300 से ऊपर 350-400 सीटें लेके जाएगा। शेयर बाजार बढ़ता है, एक प्राकृतिक बबल आता है, एक ऐसा बबल क्रिएट किया जाता है जिसमें लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। आज शेयर बाजार डाउन है, मुनाफा वसूली हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जाकर के इसमें कोई भारी षड्यंत्र है, इसका भी एक बात सामने होगी। और मुझे ऐसा लगता है